नमस्कार जनसत्ता देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरुषि श्रीवास्तव। एंटरटेनमेंट बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बॉक्स ऑफिस पर भूल भुलैया 2 की नॉनस्टॉप कमाई फिलहाल जारी है। कार्तिक आर्यन की फिल्म ने उम्मीद से ज्यादा पैसे कमा डाले हैं। ओपनिंग डे पे जबरदस्त कलेक्शन करने के बाद फिल्म ने दूसरे फ्राइडे भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। कार्तिक आर्यन स्टार्टर फिल्म ने पहले वीकेंड पे 92.05 करोड़ रुपए की कमाई करने की सफलता प्राप्त की और पहले हफ्ते ही धुआंधार कमाई करने के बाद दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन कमा लिया है। इस फ्राइडे भी भूल भुलैया 2 के कलेक्शन की अगर बात करें तो 6.50 करोड़ रुपए रहा है। अब कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस फिल्म ने अब तक 98.57 करोड़ रुपए की कमाई की है। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीयवादी नेता वीर सावरकर की शनिवार को 139वीं जयंती है। इस मौके पर प्रोड्यूसर संदीप सिंह और आनंद पंडित ने फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का पहला लुक जारी कर दिया है। रणदीप हुड्डा इसमें वीर सावरकर का रोल प्ले कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग इस साल अगस्त से होगी। हालांकि रणदीप हुड्डा ने कैरेक्टर के स्क्रीन में आने की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। प्रोड्यूसर संदीप सिंह ने बताया कि पूरी दुनिया जानती है कि सरजीत सिंह कैसे दिखते हैं, लेकिन रणदीप हुड्डा ने बहुत ज्यादा वजन कम किया था। यहां भी वीर सावरकर रोल को प्ले करने के लिए रणदीप हुड्डा 2 चरणों में वेट लूज कर रहे हैं। अब तक उन्होंने ऑलरेडी 10 किलो वजन कम कर लिया है और अगले 2 महीने में करीब 12 किलो वजन कम करने का उनका टारगेट है, तो कुल मिलाकर 22 किलो वजन कम करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मशहूर प्रोड्यूसर और जानवी कपूर के पिता बोनी कपूर के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। बताया जा रहा है कि बोनी कपूर ने के बैंक से लगभग 4 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। बोनी ने मुंबई पुलिस को इस मामले की शिकायत की। मुंबई के अंबोले पुलिस थाने में बुधवार को साइबर क्राइम के तहत ये मामला दर्ज कर लिया गया है। बोनी कपूर के मुताबिक किसी ने उनके क्रेडिट कार्ड से 5 बार ट्रांजेक्शन किया और इसके तहत 3.82 लाख रुपए उनके अकाउंट से निकाल लिए गए। इसके साथ ही बोनी कपूर ने अपनी जानकारी में यह भी बताया कि उनसे क्रेडिट कार्ड की कोई भी जानकारी किसी ने नहीं मांगी थी और उसके साथ ही ना ही उनके पास कोई फोन कॉल आया था। बुलेटिन की अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर कांस फिल्म फेस्टिवल से है। दरअसल कांस फिल्म फेस्टिवल के बाद एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद उर्वशी रौतेला तेजी से ट्रॉल होने लगी है। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार है कि उर्वशी रौतेला ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में रिनाडो से मुलाकात करने की बात जनता के सामने रखी। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि फिल्म टाइटैनिक के एक्टर से वो मिली कांस फिल्म फेस्टिवल में और वहां उनकी मुलाकात होने के बाद रिनाडो ने उनकी कर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे बहुत अच्छी और बहुत काबिल एक्ट्रेस भी है, लेकिन ये इंटरव्यू जैसे ही सामने आया तो ट्रॉलर से उन्हें ट्रॉल करना शुरू कर दिया। और वर्षा रौतेला ने अपने इंटरव्यू में आगे ये भी कहा कि नाडो ने उन्हें बोला कि वो बहुत ही कामयाब और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और उर्वशी को अगले दिन तक नींद नहीं आई। वो जब सुबह उठी तो वो खुद को चूटी काट रही थी, वो ऐसा सपना देख रही थी, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि नाडो ने सच में उनकी तारीफ की है। लेकिन ये इंटरव्यू जैसे ही ऑन एयर हुआ तो ट्रॉलर्स ने उन्हें ट्रॉल करना शुरू कर दिया। दरअसल ट्रॉलर्स का ऐसा कहना है कि उर्वशी रौतेला का ये जो बात है, जो इंटरव्यू में उन्होंने बात कही है, ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है, क्योंकि नाडो कांस फिल्म फेस्टिवल में आए ही नहीं थे। अगर वो नहीं आए थे तो उर्वशी की तारीफ वो कैसे कर सकते हैं। इसीलिए उर्वशी रौतेला जो भी बोल रही हैं वो बिल्कुल झूठ है। हालांकि ट्रॉलर्स की ऐसी प्रतिक्रिया पर उर्वशी रौतेला का भी कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ट्रॉलर्स इस बात को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि नाडो जो थे कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे ही नहीं थे और वशी ने इंटरव्यू में ये जो भी बात रखी है ये सरासर सफेद झूठ है। बुलेटिन की आखिरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज का टाइटल अब बदलकर सम्राट पृथ्वीराज कर दिया गया है। राजपूत कर्णी सेना की एक जनहित याचिका के बाद ये कदम उठाया गया है। फिल्म के मेकर्स यशराज फिल्म्स ने श्री राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष को एक ऑफिशियल लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में बताया और 27 मई को पृथ्वीराज के मेकर्स यशराज फिल्म ने राजपूत समुदाय की भावनाओं और उनकी मांग को देखते हुए फिल्म का नाम पृथ्वीराज से राठ पृथ्वीराज में बदलने पर सहमति जताई है। राजपूत कर्णी सेना के अधिवक्ता रघुवेंद्र मल्होत्रा ने कानूनी नोटिस भेजा, जिसके बाद एक जनहित याचिका जो है दायर की गई थी और इसके बाद जो फिल्म का नाम बदलने के बाद सम्राट पृथ्वीराज करने के बाद यशराज फिल्म्स ने एक पोस्टर भी जारी किया गया है, जिस पोस्टर में फिल्म का नाम बदल दिया गया है और नया पोस्टर जारी किया गया है।
एंटरटेनमेंट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस बुलेटिन में मौजूद सभी खबरें आपके लिए एंटरटेनिंग रही होंगी, और ऐसे ही बॉलीवुड के छोटे मोटे गॉसिप्स और ऐसे ही बुलेटिन देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com के साथ।